प्रेरणा कथा। सोना या चांदी। उज्जैन के पास एक छोटे से गांव में एक बहुत ही विद्वान गणितज्ञ रहते थे। जब भी राजा को राष्ट्र की अर्थव्यवस्था संबंधी कोई समस्या होती थी, राजा उन विद्वान गणितज्ञ जी की सेवाएं लेते थे। गणितज्ञ की ख्याति उत्तर में तक्षशिला और दक्षिण में कांची तक फैली हुई थी। एक दिन गांव के मुखिया ने गणितज्ञ से कहा, आप एक महान गणितज्ञ हो सकते हैं और आप राजा को भी सलाह देते हैं, परंतु आपके पुत्र को सोने या चांदी के मूल्य के बारे में भी जानकारी नहीं है। यह सुनकर वह महान गणितज्ञ बहुत ही निराश हुए और उनका दिल दुख गया। घर वापस आकर गणितज्ञ ने अपने पुत्र को बुलाया और पूछा, सोने और चांदी में से कौन सी धातु अधिक मूल्यवान होती है? उनके पुत्र ने तुरंत जवाब दिया, सोना पिताजी। गणितज्ञ ने कहा, बिल्कुल ठीक, पर मैं ये नहीं समझ पा रहा कि गांव के मुखिया ने तुम्हारा मजाक क्यों उड़ाया और कहा कि तुमको सोने और चांदी के मूल्य के बारे में जानकारी नहीं है। मुखिया प्रतिदिन मेरा भी उपहास उड़ाता है और सभी गांव वासियों के सामने शर्मिंदा करता है। मेरा मन दुखता है, मुझे बताओ कि वो ऐसा क्यों करता है। गणितज्ञ के पुत्र ने बयान करना शुरू किया, पिताजी जब भी सुबह सुबह मैं स्कूल जा रहा होता हूँ, वो तो मुखिया मुझको अपने घर बुलाता है। वहाँ गांव के बड़े बूढ़े भी बैठे होते हैं। वो अपने एक हाथ में एक सोने का सिक्का और दूसरे हाथ में एक चांदी का सिक्का रखता है। वो मुझको अधिक मूल्यवान सिक्का उठाने को कहता है, मैं चांदी का सिक्का उठा लेता हूँ। मुखिया और बड़े बूढ़े मिलकर हंसते हैं। ऐसा वो प्रतिदिन करता है, इसीलिए उसने आपसे कहा है कि मुझे चांदी और सोने के मूल्य के बारे में जानकारी नहीं है। गणितज्ञ जी असमंजस में पड़ गए, क्योंकि वो जान चुके थे कि उनके पुत्र को मालूम था कि सोना अधिक मूल्यवान होता है। उन्होंने अपने पुत्र से कहा, तुम सोने का सिक्का क्यों नहीं उठाते हो? बेटे ने पिताजी से कहा, आप मेरे साथ मेरे कमरे में आइए, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। दोनों कमरे में चले गए। बेटे ने अपने पिता को एक बक्सा दिखाया, फिर उसने पिता से कहा, जिस दिन मैं सोने का सिक्का उठा लूंगा, ये खेल समाप्त हो जाएगा, उनका मनोरंजन अंत हो जाएगा और मुझको हर दिन चांदी का एक सिक्का मिलना बंद हो जाएगा। गणितज्ञ के बेटे ने मुखिया से प्राप्त हुए सभी चांदी के सिक्के उस बक्से में इकट्ठे कर रहे थे। गणितज्ञ जी अपने बेटे की बुद्धिमत्ता देखकर बहुत ही हैरान हुए और उन्होंने उसको अपने गले से लगा दिया। मित्रों, कभी कभी मूर्ख बनते रहने में भी बहुत फायदा होता है। लोग सोचते हैं कि वो हमारी मूर्खता पर हंस रहे हैं, परंतु वो ये नहीं देख पाते कि नुकसान उनका ही हो रहा होता है। इसका ये मतलब नहीं कि आप हर स्थान पर ही मूर्ख बने रहें। मूर्खों के सामने मूर्ख बने रहने में ही लाभ होता है। मूर्ख को जिताने के पीछे भी बुद्धिमान व्यक्ति को लाभ की प्राप्ति होती है, पर यह बात बहुत कम लोग ही समझ सकते हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।